राज्य सरकार कृषि विकास की जो योजनाएं भारतीय बिहार के पैसे से बिहार को सुसज्जित करते हैं, कि क्या भारत सरकार की ओर से संस्थागत रूप से जैविक खेती के विकास के लिए कोई योजना थी, कोई फंड आवंटन होता था? पहली बार जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई और 15-16 में ही 300 करोड़ के विकास के लिए लेकिन जैविक खेती से भी जो बड़ी बात है, जो हमारे पुरखे किया करते थे, मैं संसद में मैट्रिक पास किया, संसद के बाद सर में 4 किलोमीटर दूर गांव से जाता था स्कूल, लेकिन संजय कुमार को स्कूल में नहीं जाना होता था, तो खेत में परिवार के लोग काम करते थे, उनके नाश्ता भी देना पड़ता था, या सुबह में सौ दोपहर में गांव के बगल के जमीन में जानकी परिपाटी गांव में, और उस समय खेतों के अंदर देखते थे कि चारा बोलते थे, कचरे बोलते थे, नीचे से मिट्टी को ऊपर लाता था, लेकिन उसके 30-40-50 वर्षों में और इनपुट कॉस्ट पर बाकी सारी समस्याएं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। हमारे पिताजी ने हमारे शक्ति का अध्ययन 7 वर्षों पर अपने गांव में 25 परिवार से अध्ययन 50-60 वर्ष से जो कर्तव्य लिखा है उनके जाने के बाद उनकी जो दूसरी पीढ़ी है उसको भूलना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो केचुए समाप्त चार समाप्त जिसका जिक्र हमारे महामहिम कर रहे थे, इस दिशा में निश्चित रूप से आज हम विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिक किस दिशा में आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय जैविक केंद्र है हमारा, और उस केंद्र पर हमारे वैज्ञानिकों ने डीकंपोजर तैयार किया है, लाखों किसान उसको कर रहे हैं, और जो माननीय महामहिम जी का सुझाव है और जो हमारे पालेकर जी ने जो किया जिसको इस दिशा में जा रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री अगर किसी को देने का काम किया है तो उसी पालेकर जी को किया है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन देश के लिए हितकारी है, इसलिए उनको भी सम्मानित किया है और आपको भी हम सम्मानित करते हैं, और आपके विचारों आपके मार्गदर्शन पर ही अलग से जो बातें हमारी है, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने महामहिम जी को, नीति आयोग के अध्यक्ष जी को, और विभिन्न कोणों से आए हुए जो हमारे सभागार में उपस्थित भाई बहन है, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अलग अलग बैठेंगे और आपका जो मार्गदर्शन होगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं